नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। आप सभी के साथ जुड़े हैं टॉस अपडेट के साथ। चेन्नई और पंजाब के बीच होने वाले मैच में टॉस हो चुका है और यहां पर जो टॉस से बड़ी अपडेट यह आ रही है कि एज यूजुअल यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस हारी है, यानी कि पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। पर जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है चेन्नई के कैंप से, वो आपको बता दें कि चेन्नई को दोहरा झटका लगा। दोहरा झटका किस रूप में, यहां पर जो पथिराना है उनको निगल है, वो आज के मैच में नहीं खेले। तुषार देशपांडे जो पिछले मैच के हीरो थे, उनकी तबीयत सही नहीं है, जिसकी वजह से वो आज अवेलेबल नहीं। यानी कि दो बड़े झटके यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को लगा है और यहां पर शार्दुल ठाकुर की वापसी हो रही है और एक खिलाड़ी जो है रिचर्ड ग्लेशन, जिसको रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया था, वो आज खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि एक बड़ी अपडेट है चेन्नई के कैंप से। थोड़ा बहुत झटका हम कह सकते हैं कि लगा हुआ है चेन्नई सुपर किंग्स को, क्योंकि पंजाब एक मजबूत टीम है। पिछला मैच वो बेहतरीन तरीके से जीत कर आए और उनको पहले बल्लेबाजी करना है। ऐसे में वो बड़े रन स्कोर यहां पर बनाना चाहेंगे, क्योंकि पंजाब उन रनों को चेज कर सकते और उनकी मदद करेगा ड्यू। क्योंकि चेन्नई के इस मैदान पर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ड्यू देखने को मिलता है और जो सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम है उसको बहुत मदद मिलती है। और वही जो सीएसके के फैंस हैं, सबसे बड़ा चिंता का सबब यही होगा कि क्या चेन्नई 220-230 रन बना पाएगी, और अगर बना पाएगी क्या वो इनफ होगा। क्योंकि पंजाब ने दो तीन बार ऐसा हमने देखा कि वो बड़े रन को चेस के लिए बहुत आसानी से पहुंचते हैं, और पिछली बार तो उन्होंने चेस भी कर लिया, और जब भी 200 के पार होता है पंजाब के पास चांसेस अच्छे होते हैं और उनके जो बल्लेबाज हैं अब धीरे धीरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ये मुकाबला बहुत बड़ा है और चेन्नई के लिए बहुत कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर उसको प्लेऑफ में जगह बनानी है तो अब आने वाले मैचेस को उनको किसी भी हाल में जीतना होगा। अब देखते हैं कि क्या आज फिर से ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला यहाँ पर बोलता है या फिर कोई और खिलाड़ी आज अच्छे रन बनाएगा। मेरे साथ इस रिपोर्ट बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम पोस्ट।